मैं पिछले 29 साल से पेरिस में रह रहा हूँ फ्रांस से, और फ्रांस से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मेरी एक एसोसिएशन है जो मनुखी हकों की बात करती है, तो उसी के तहत हम ये काम करते हैं। तो 2005 में मैंने ये एसोसिएशन बनाई थी, और डाउन नाम की संस्था है। और जो भी कोई इंडियन, मैं कहीं एक स्टेट की बात नहीं करता, कि ये नहीं है कि मैं पंजाबी हूँ जहाँ पंजाबियों के लिए काम करता हूँ। तो मैं कोई भी किसी की भी डेथ हो जाए भारतीय की पेरिस में, तो हम उसकी जो क्रियाकर्म होती है, चाहे उसके परिवार बोलें कि उसकी डेड बॉडी भेज दो, तो हम इंडियन एम्बेसी की सहायता से उसको भारत भेज देते हैं। अगर कोई परिवार बोलता है कि नहीं, हम इधर इसका इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हम उसका दाह संस्कार वहीं पेरिस में कर दो, तो हम वहाँ भी कर देते हैं। तो अभी तक मैंने 178 डेड बॉडीज़ 2005 से लेके आज तक इंडिया भेजी हैं, जिसमें से 79 डेड बॉडीज़ हमने इंडियन एम्बेसी की मदद से भेजी हैं, क्यों उन्होंने उसके ऊपर पैसा लगाया है। पैसे की मदद इंडियन एम्बेसी ने की है। जैसे यहाँ पर मैं सुना करता था कि भाई जो अपने हैं वो भी पराए हो जाते हैं उस टाइम में, कि जो बाप का अगर डेथ हो गई है तो लड़का उसके पास नहीं जाता था, लेकिन मैंने अपने कंधे के ऊपर सब ये वजन उठाया है, इनका दाह संस्कार अपने हाथों से किया है, और हॉस्पिटल में जाके जब जितने देर ये जिंदा रहे हैं उनको मैं मिलता रहा हूँ, इनका हालचाल पूछता रहा हूँ। कल जब हम वहाँ से पेरिस से चले थे तो हमारे पास 10 अस्थियों का हमारे पास था, ये जो ऐशेश हैं, तो एक का हमने जो नाम भूल गया मैं, कोई बाटी था, लव कुमार बाटी, उसकी अस्थियां हमने उसके परिवार के कहने से हमने पार्सल कर दी थी। तो 10 हम कल लेके आए थे। 2 लड़के मेरे साथ फ्लाइट में आए थे जो अपने अपने, एक का बाप था एक का भाई था, वो 2 अस्थियां वो कल एयरपोर्ट से सीधे अपने घरों में चले गए। तो 8 अस्थियां जो मेरे पास अभी मैं बाकी बची हैं, जो मैं कल जलंधर में जाऊँगा, और जितने भी परिवार इनके संबंध रखते हैं, जिनके पास, जिनके नंबर मेरे पास भी हैं और मेरा नंबर उनके पास भी है, तो हम उन सबको बुला के वहाँ एक साथ अस्थियाँ जड़ियाँ उनके साथ हैंड ओवर करेंगे।